हाय गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर, और स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी जनवरी इनटेक को लेकर। सो जिन बच्चों ने अपनी जनवरी इनटेक की एक्सटेंशन ले ली थी, उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। एंड वो उनको जो बेनिफिट ये है कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर उनकी कुछ ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि वो अभी ऐसा बाहर नहीं जा सकते, सो अकॉर्डिंग टू कनाडा रूल्स, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना हाफ कोर्स इंडिया में कर सकते हैं और हाफ कोर्स जो है वो कनाडा में कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ द कोर्स कनाडा करना ज़रूरी है अगर आपने अपने PSW के लिए अप्लाई करना है। सो इससे पहले एक नोटिफिकेशन ये भी आई थी कि जिन बच्चों के ऑलमोस्ट कोर्सेज पूरे होने वाले हैं, कि जिनके 2 साल के थे या 1 साल का डिप्लोमा था और वो कनाडा नहीं जा पाए और ये इस कंडीशन के कारण कोई PSW नहीं मिल सकता, तो वो कंडीशन के लिए IRCC मेंबर्स ने जो भी हमारे एम्बेसी थी, उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि अगर पैंडेमिक के कारण नहीं जा पाए तो उनकी PSW वो अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर उन्होंने ये कह दिया कि जिन बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं तो हाफ ऑफ दी जो कोर्सेज है वो उनको कनाडा करनी मैंडेटरी है फॉर दी PSW पर्पस। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिन बच्चों ने अपने LOA जो हैं वो अपडेट नहीं कराए, सो यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन बच्चों ने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो तो अपनी एक्सटेंशन डाल दी है, बट एम्बेसी को जो LOA जो है वो एनरोल नहीं कराए हुए और वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट की। सो उन बच्चों को मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने LOA जो है वो क्लियर नहीं कराया हुआ है, सो एम्बेसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप अपने एज पर द स्केड्यूल क्लासेस अटेंड भी कर रहे हैं और आपका इंटेक चल भी रहा है। सो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं कराए हुए, मेक श्योर वो अपनी जो एनरोलमेंट है वो एम्बेसी को करवाएं, उनको नोटिफाई करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि हमने जो है अपना डेफरमेंट लेनी है या फिर हमने LOA अपना चेंज किया है। सो सारी अपनी डिटेल्स विद आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स और आपका इंटेक कब स्टार्ट होता था और आपने कब आपने डेफरमेंट लिया, एक वेब फॉर्म के थ्रू जो है आप उन्हें नोटिफाई भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू उनसे अटेंड भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सितंबर और जनवरी इनटेक को लेकर, सो सितंबर इनटेक जो है वो कब का क्लोज हो चुका है। एंड अगर मैं जनवरी इनटेक की मैं बात करूँ, सो जनवरी इनटेक के रिजल्ट्स भी जो हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई नहीं किया वो जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमें रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल चुके हैं। और ये प्रोबेबली ये सिचुएशन है कि 20 अक्टूबर के बाद जो है वो बाकी के रिजल्ट्स, चाहे वो क्यूबेक को लेकर हैं या फिर जनवरी इनटेक के किसी और प्रोविंस को लेकर है, वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड 1 अक्टूबर से जो है बायोमेट्रिक ओपन हो चुकी हैं, जिन बच्चों ने अपने बायोमेट्रिक बुक करानी है वो अपने स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं। एंड लोकेशन को लेकर एक थोड़ी सी टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने लोकेशन को लेकर जो है वो रिजिड हुए पड़े हैं, अपना माइंडसेट जो है वहीं स्टिक किया हुआ है कि हमें इसी लोकेशन में जो है एडमिशन चाहिए या फिर इसी कॉलेज में हमें कोर्स चाहिए, तो उन बच्चों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसिस जो हैं वो अपनी एक लोकेशन को लेकर स्पेसिफाई मत हुए, वो अपने 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो लेकर चले, इन केस अगर एक लोकेशन में आपकी एडमिशन नहीं होती है सो आपके पास बैकअप हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। और सेकंड प्लस पॉइंट ये है, जिन बच्चों की रीअप्लाई करना है और जिन्होंने सितंबर में अप्लाई किया था या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं, या सितंबर के पहले वाले इंटेक से अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उनको भी एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट ही जो है आपकी प्रोफाइल फॉर्मेशन जो है वो ठीक कर सकता है। अगर तो उसमें कोई एरर हुआ तो एक अच्छा कंसल्टेंट जो है वो अपने आप डॉक्यूमेंटेशन सेट करके आपकी फाइल जो है वो रीलॉन्च कर देगा। एंड अगर आपके मार्क्स कम हुए IELTS और PTE, सो आई सजेस्ट यू टू रिपीट योर IELTS। और PTE को लेकर जो अगर मैं बात करूँ, तो PTE के भी जो हैं उनको E6 जो हैं जो IELTS के इक्वलेंट मार्क्स हैं वो चाहिए ही चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड हैं और E6 हैं एंड ओवरऑल आपका 6 बन रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं, वाई नॉट आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी इसी बैंड स्कोर के साथ जो है पिछले इंटेक्स में अगर आपकी रिजेक्शन आई है, सो आई विल नॉट एडवाइस यू कि आप इस बैंड स्कोर के साथ जो है अपना रीअपियर करें अगले इंटेक के लिए। उसके लिए आपको अपना जो है IELTS रिपीट ही करना पड़ेगा। और अगर आपको IELTS क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू आर टीचर्स जो कि 9 to 5 वर्किंग आवर्स में आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो आपको पर सेशन अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे और आप हमसे जो है वो इसके बारे में टिप्स एंड कंसल्टेशन के साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।